हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस बात का हम यहाँ ध्यान देंगे कि आज हम जावा में मेथड पढ़ने चल रहे हैं। ऑलरेडी आप मेथड के बारे में जानते हैं और पढ़ भी चुके हैं। आपने सी सी प्लस प्लस में डेटा स्ट्रक्चर में इसके पहले और भी जो भी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज आपने पढ़ा है उसमें आपने मेथड के बारे में जान रखा है, बस अपने नाम बदल गया है। तो गेस कर सकते हैं आप कि वो क्या हो सकता है। चलिए हम बताते हैं आपको। हमारा जो मेथड है सी सी प्लस में, हम उसे फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डिफाइन करता है पर्टिकुलरली किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, वही हमारा फंक्शन होता है। और उसी फंक्शन को जावा में मेथड कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मेथड कितना इम्पोर्टेंट है, इस पे हम चर्चा करते हैं। सी और सी प्लस प्लस में आप फंक्शन बनाते हैं तो उसके उपयोग को आप तो भली बात जानते हैं, सेम चीज वही सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। बस यहाँ पे नेम चेंज कर दिया गया है कि जावा में उसी फंक्शन को मेथड कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके बेनिफिट क्या है। मेथड्स को हम जब क्रिएट करते हैं तो हमारा प्रोग्राम जो होता है, जो लेंथी ऑफ लाइन एक ही प्रोग्राम को बनाते हैं तो जिसमें एरर की प्रॉब्लम होती है, चीज़ों को फाइंड आउट कर पाना मुश्किल होता है। तो जब हम उन्हीं को कई छोटे छोटे प्रोग्राम या फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब उसी प्रोग्राम को हम छोटे छोटे फंक्शन में जब बना देते हैं तो जो भी प्रॉब्लम आएगी वो पर्टिकुलर उस फंक्शन के लिए इंडिकेशन होगा। उस प्रोग्राम को डिटेक्ट करना और उसे सॉल्व करना ये हमारे लिए और भी इजी हो जाता है। और एक चीज़, अगर हम यहाँ पे देखें किसी भी प्रोग्राम के कोड को लेंदी लिख दिए तो उस कोड को हम सिर्फ उसी प्रोग्राम तक ही सीमित रख सकते हैं या उसी प्रोग्राम तक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसमें मेथड या फंक्शन के थ्रू वो चीज़ें बना देते हैं तब क्या होगा? अगर हम वहाँ पर मेथड या फंक्शन का यूज करके उस कोड को बनाते हैं तो हमें दूसरे भी प्रोग्राम में या दूसरी जगह पे भी उसका यूज होगा, तो हम सीधे उस फंक्शन को कॉल करके उपयोग कर लेंगे। मतलब बार बार हमें वही लाइन ऑफ स्टेटमेंट, लाइन ऑफ प्रोग्राम को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो मेथड को आप ऐसे कह सकते हैं, मेथड इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज डिफाइंड अ डिफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए इसकी जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन के साथ सिंटेक्स प्रोग्राम पीडीएफ में लगेगा ही, लेकिन हम फिर भी एक सिंटेक्स कॉमनली आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं तो इसका जो सिंटेक्स हम डिफाइन करेंगे, हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका स्पेसिफाइड और प्रोटेक्टेड टाइप यानी पब्लिक क्लास का यूज करेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर का, ठीक ऐसे देंगे एक्सेस स्पेसिफायर। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे करना चाहें, फिर उसके बाद यहाँ पे क्लास कीवर्ड्स का यूज करेंगे, देन यहाँ पे क्लास नेम देंगे। क्लास नेम देने के बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम मेथड को डिफाइन करते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेथड को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे डेटा टाइप यूज करेंगे, और उसके साथ यहाँ पे अगर पर्टिकुलर उस मेथड को हम इसी क्लास तक ही सीमित रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उसके साथ स्टैटिक का यूज कर लेंगे। डेटा टाइप हमने बताया, स्टैटिक हमने बताया, तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है। सॉरी, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये पहले हो जाएगा यहाँ पे, जो भी हमारे ये कीवर्ड होंगे प्रोग्राम को स्टैटिक, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डेटा टाइप, और उसके बाद यहाँ पे मेथड नेम हो जाएंगे। ठीक है, मेथड नेम हो जाएगा। अब मेथड नेम के साथ ये हमने यहाँ पे एक सिंबल लगाया, और सिंबल के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को देंगे जो भी हम यहाँ पे डिफिनीशन देना चाहते हैं, यानी फंक्शन की डिफिन, और ये हम इसे क्लोज करेंगे। ये हो गया। और एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, एक चीज और बता दे रहे हैं, मतलब प्रोग्राम में आ ही जाएगा लेकिन हम सिंटेक्स में ही बता दे रहे हैं। मान लीजिए हमने ये बंद किया, क्लास बंद नहीं करेंगे क्योंकि मेन को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्या, मेन फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब मेन फंक्शन को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलिंग द
मेथड, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे क्या, मेथड के ऊपर कॉल करेंगे, उसके बाद हम इन सबको क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, इसी ग्राफ से इसी सिंटेक्स से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि मेथड हमारा क्या कार्य कर रहा है। अब देखिए जो हमने क्लास बनाई, जो भी हमारा क्लास नेम है हमने यहाँ बना दिया, और इसी क्लास के साथ हमने यहाँ पे मेथड को डिफाइन कर दिया ये, और मेथड की डिफिनीशन हमने ये दे दी है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे होगा, ऐसे तो प्रिंट कर नहीं देगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में तभी रन करता है जब उसमें मेन मेथड के अंदर आते हैं। तो इसको हम यहाँ पे से कर क्या रहे हैं, ये मेन के अंदर कॉल कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो मेन के अंदर जब कॉल करेंगे, मेन एग्जीक्यूट करेगा, तो ये फंक्शन की जो भी डिफिनीशन होगी, जो भी स्टेटमेंट हम दिए हैं, उसको मेन के अंदर ये क्या करेगा, रन करा के उसका आउटपुट जो भी मैसेज होगा वो चीज़ हमें दिखेंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसी में और आगे बढ़ते हैं, मेथड के बारे में बात करते हैं। ये दो तीन टाइप से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं हम कि क्लासिफाइड ऑफ द मेथड या क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड, ठीक है। क्या देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड, यहाँ देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड, ठीक है। अब इसको जब हम क्लासिफाइड करते हैं, तो सबसे पहले इसी फंक्शन को हम फर्स्ट टाइम यही कहते हैं, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। एक ये हो गया कि एक ऐसा मेथड होगा जिसमें हम ना कोई आर्गुमेंट पास करेंगे और ना कोई वैल्यू रिटर्न कराएंगे, तब भी वो कैसे बनेगा, क्या कार्य करेगा, ये हो गया। और एक हमारे पास इसमें हो जाता है, नो आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, ठीक है। दूसरे में क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो फंक्शन होगा उसमें आर्गुमेंट तो नहीं होगा लेकिन वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या कर रहा है, आर्गुमेंट तो नहीं होगा लेकिन वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टाइप। और इसी के साथ हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, तीसरा, तीसरा यहां पे क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप। अब यहां पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा उसके साथ आर्गुमेंट तो पास किया जाएगा लेकिन वैल्यू कोई रिटर्न नहीं करेगा। अब चौथा देखते हैं, चौथे में क्या है, यहां पे आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, ध्यान दीजिए, अभी तक हमने ये चार स्टेप बताए, इसमें क्या आर्गुमेंट भी रहेगा और वैल्यू भी रिटर्न करेगा, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे मेथड को हमने कितने टाइप से क्लासिफाइड किया, कितने टाइप से इसको बना सकते हैं, चार तरह से। वो चार टाइप्स क्या है, यहाँ पे नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, मतलब कोई आर्गुमेंट नहीं पास करेंगे, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं लेंगे, तब भी हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, मतलब कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे फिर भी वैल्यू हम रिटर्न करा लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है हमारे पास, आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, आर्गुमेंट देंगे लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और चौथे में आर्गुमेंट भी ले रहा है और वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला हमारे पास जो स्टेटमेंट है, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, हम उसी क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। तो यहाँ पे आर्गुमेंट के साथ चलेंगे, ठीक है,
चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को हम। तो इसको हम अरेंज करते हैं पहले वाले ही स्टेप के साथ, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप पे एक एग्जांपल देखते हैं इसमें। इसका एग्जांपल बनाने के लिए सारे वही प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार पब्लिक क्लास मेथड वन, ठीक है। मेथड हम यहाँ कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे हमने दिया क्या, स्टैटिक यूज करते हैं ताकि इसी क्लास तक सीमित रहे हमारा, हम कहीं और नहीं करना चाहते। यहाँ पे हमने यूज किया वायड, वायड एक नल टाइप का डेटा टाइप हो जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो नो रिटर्न हो गया। आर्गुमेंट हम मेथड में पास करते, तो यहाँ पे हमने दे दिया माई मेथड, मेथड यानी फंक्शन का नाम हमने क्या दे दिया यहाँ पे माई मेथड। अब यहाँ पे हमने कोई आर्गुमेंट इसके पैरामीटर में पास नहीं किया और इसी के साथ हम यहाँ पे करते क्या है, एक मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन। यहाँ पे मैसेज क्या हो जाएगा, वेलकम टू जावा, ठीक है। ये हमने इस मेथड को क्लोज किया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे क्लास बंद कर देंगे, क्लास नहीं बंद करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी मेन तो बाकी है जहां इसकी कॉलिंग होनी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन स्ट्रिंग, ओके। उसके साथ अब होगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करना है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे दे दिया माई मेथड, यस। देखे हमने मेन क्लोज किया, क्लास क्लोज किया, बस ये सारी चीजें हो गए। सिंपली इस प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे तो हमारे सामने ये दे देगा, वेलकम टू जावा। अब हम चाहते हैं क्या हम इसी फंक्शन को मल्टी टाइम में कॉल कर सकते हैं, तो मल्टी टाइम कॉल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो देखिए, हम इसी फंक्शन को मल्टी टाइम लिख देते हैं माई मेथड, माई मेथड यानी जितनी बार हमें आवश्यकता हो उतनी बार हम इस फंक्शन की कॉलिंग कर सकते हैं, मेथड की कॉलिंग कर सकते हैं। इसका आउटपुट देखिए, यही लाइन दिया तो यही लाइन फिर ये जितनी बार हमने यूज किया उतनी बार ये उस लाइन को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा मेथड है यहाँ पे, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, ठीक है। ये इस टाइप से हमने इसको बनाया है। अब आगे नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक आएगा वो आ जाएगा नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप में हम यहाँ पे करेंगे क्या, कैसे वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, क्या देगा रिजल्ट, उसकी बात कर लेते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे दूसरा जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, हम उसके बारे में बात करते हैं। अरेंज करते हैं इसको हम, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा चेंज रहेंगे, हम उन्हीं में चेंज कर रहे हैं। हमने नो रिटर्न क्या आप दूसरा बता रहे हैं यहाँ पे, नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा हम पूरा अरेंज कर दे रहे हैं, फिर से बताते हैं। अब यहाँ पे हमने दिया आई ऑफ इम्पोर्ट
java.io.star। देन उसके बाद यहाँ पे हमने दिया पब्लिक क्लास, पब्लिक क्लास क्लास नेम देंगे, क्लास नेम हम यहाँ पे क्या दे दिए, माई मेथड, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे किया क्या, मेथड को डिफाइन करते हैं स्टैटिक विद रिटर्न टाइप है और नो आर्गुमेंट, तो यहाँ पे करेंगे क्या हम आई एन टी टाइप का मेथड लेंगे हम यहाँ पे मेथड वन, और यहाँ ब्रैकेट में हम क्या देंगे, कुछ नहीं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है हमें। तो हम करते क्या है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमने किया क्या, सिर्फ कुछ भी नहीं करना, हम यहाँ पे सीधे से एक वैल्यू ले लेते हैं, हमने आई एन टी और यहाँ पर ले लेते हैं एक यक्स, क्या ले लिया यक्स, और इस पर हमने वैल्यू 10 को इनिशियलाइज करा दिया, और इसके साथ हम यहाँ पे रिटर्न नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे रिटर्न हमने यक्स करा दिया, ठीक है। और उसी के साथ हमने मेथड बंद किया, अब मेन को डिफाइन करिए, यहाँ पे जो भी काम होगा मेन में होगा, ठीक है। यहाँ हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक सेकेंड, चलिए ठीक है, यहाँ तो हमने दिया मेन के लिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ओके, हमने इतना दिया, इतना देने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए, मेन को देने के बाद हमने किया क्या, अब फंक्शन के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, रिसीव होनी चाहिए, रिटर्न कर रहा है, तो हम यहाँ पे करते क्या है आई एन टी ऑफ एन ले लिया, ठीक है। अब करते क्या है, एन इज इक्वल टू हम फंक्शन की कॉलिंग के साथ करेंगे, क्या है हमारा फंक्शन मेथड वन, हमने यहाँ दे दिया है मेथड वन, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसके अंदर हमने एन की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, अब यहाँ हमने इसको बंद किया और ये हमारी क्लास बंद हो गई। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं ये कैसे कार्य कर रहा है, देखिए जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तुरंत मेन फंक्शन से ये इसको एक्सेस करना शुरू करेगा, यन मिलेगा, यन एक वेरिएबल है, ये मेथड को यहाँ पे कॉल कर रहा है, तो जैसे ही यन इज इक्वल टू यहाँ पे मेथड वन को कॉल करेगा तो ये मेथड तुरंत यहाँ से भाग के जहाँ पे इसकी डिफिनीशन है वहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो इसकी डिफिनीशन मिल गई, यहाँ पर क्या हो गया मेथड के अंदर एक्स इज इक्वल टू 10 है, और 10 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, और यही मेथड को ये क्या करेगा रिटर्न करेगा, और ये मेथड उठा के वैल्यू किस पे यहाँ पे दे रहा है यन, तो यन इज इक्वल टू ये क्या हो गया, मानिए एक्स हो गया, यन इज इक्वल टू ये 10, तो ये जो 10 आ जा रहा है यही 10 को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है। और ये प्रिंट करा दिया, अब इसी के साथ यहाँ पे एक चीज और आप दे सकते थे कि मान लीजिए जैसे हम इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा देर के लिए, एक और मैसेज इंक्लूड कर देते हैं, हमने यहाँ पे दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, इसमें दे दीजिए नो आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप ये मैसेज दे देगा, इस मैसेज से आपको ये पता चलेगा कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है वो फंक्शन किस टाइप का है, ठीक है। कॉल होगा ये भी, हम मैसेज में भी ये डिफिनेशन दे सकते थे, यहाँ भी दे दिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने दो क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड को डिक्लेयर्ड बताया, एक बताया नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, और ये हो गया हमारा नो आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, तो ये इस तरह से कार्य कर रहा है। देखिए यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू हमने पास
नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको अरेंज करते हैं और नेक्स्ट जो फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो भी यहाँ पे फंक्शन है पैरामीटर्स मतलब नो आर्गुमेंट्स विद आर्गुमेंट नो रिटर्न्स टाइप है। क्या है तो सबसे पहले हम इसी को डिफाइन ही कर देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ हमने दे दिया इंपोर्ट java.io और यहाँ पे हमने पब्लिक क्लास को डिफाइन कर दो पब्लिक क्लास मेथड वन। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे मेथड को असाइन करेंगे। मेथड हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टैटिक और यहाँ पे नो आर्गुमेंट विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप है ना। क्या है विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे हमने दिया वाइड। जब यहाँ रिटर्न टाइप देंगे तब यहाँ पे वाइड नहीं इंटीजर फ्लोट करेक्टर इस तरह के डेटा टाइप का उपयोग किया जाएगा। इतना देने के बाद हम यहाँ पे फंक्शन का नाम देंगे। फंक्शन का नाम हम यहाँ दे देते हैं ए मेथड, ए मेथड मतलब आर्गुमेंट मेथड। अब यहाँ पे हमने एक नेम को दिया स्ट्रिंग एफ नेम। ठीक है, एफ नेम हमने यहाँ पे दे दिया और इसी में हमने इसकी डिफिनेशन यहाँ पे दी। अब यहाँ पे हमें डिफिनेशन देनी है, तो डिफिनेशन क्या देनी है हमें, हम इसे यहाँ पे क्या करना चाहते हैं प्रिंट कराना चाहते हैं, तो प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या, मान लीजिए हमारे पास क्या है यहाँ पे आर्गुमेंट है और वैल्यू को हम रिटर्न नहीं करा रहे हैं, तो एक नंबर को हम पास करेंगे अपने फंक्शन से उसे करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या, फंक्शन को हम यहाँ पे प्रिंट तो कराएंगे लेकिन उससे पहले एक मैसेज दे देते हैं ताकि हमें ये पता चले हमारा ये मेथड किस टाइप से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, ये कौन सा मैसेज है हमारा विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम फंक्शन में यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यू हमें वहां से मिलेगी तो हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो भी नाम है हम उसे यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं, एफ नेम प्लस रेफरेंस नेम, रेफरेंस नेम। ठीक है, ये क्या है रेफरेंस नेम। इतना देने के बाद हमने इस मेथड को क्लोज किया और यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम मेन को डिफाइन करते हैं। मेन हमारा क्या है यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, यहाँ हमने दिया स्ट्रिंग एआरजीएस। ठीक है, देन आफ्टर अब यहाँ पे हमें देना क्या है, नाम को पास करना है और उसकी कॉलिंग भी यहाँ पे करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अपने इस फंक्शन को ही कॉल करते हैं, हमने दे दिया यहाँ ए मेथड और इसी के अंदर हमने यहाँ पे नाम पास कर दिया राजेंद्र, हमने यहाँ दे दिया राजेंद्र। ठीक है, और भी अगर देना चाहे तो हम जितनी बार देंगे उतनी बार ये कॉल होगा। तो जैसे हम यहाँ पे दे देते हैं और एक दो नेम मेथड यहाँ पे उर्मिला। ठीक है,
ये हमने दो बार इसे कॉल किया, मेन को क्लोज किया और ये हमारी क्लास का। अब देखते हैं ये फंक्शन कैसे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, मेन रीड करते हुए इसको पास आएगा, ये तुरंत क्या करेगा, यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन को कॉल करते ही तुरंत ये अपने स्टेटमेंट को रीड करना शुरू करेगा। पहला स्टेटमेंट दे देगा विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, मतलब डब्ल्यू ए एंड नो आर, ठीक है, ये मैसेज देगा। और उसके बाद तुरंत हमने यहाँ पे दिया एफ नेम, एफ नेम हमने दे ही रखा है क्या, राजेंद्र। ये राजेंद्र किस पे आके होल्ड होगा, एफ नेम पे। तो एफ नेम की वैल्यू के साथ ये क्या करेगा, राजेंद्र को प्रिंट करेगा। और राजेंद्र के साथ जो मैसेज हमने दे दिया है ये क्या है, यहाँ पे रेफरेंस नेम, रेफरेंस नेम, इसको भी यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। फिर दूसरे बार जैसे ये टर्मिनेट होगा, आगे बढ़ेगा, फिर से वही मैसेज मिलेगा, फिर से ये क्या करेगा, इसी को कॉल करेगा, फिर से यही मैसेज देगा नो आर्गुमेंट विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। तो फिर से जो भी नाम होगा उसके साथ ये प्रिंट करेगा उर्मिला, और ये जो रिफर्स नेम है, ठीक है, इस तरह से ये हमें आउटपुट देगा। तो ये हमारा हो गया विद आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप। देखिए यहाँ पे जो हमने पास किया आर्गुमेंट हो गए, डेटा टाइप कोई वैल्यू यहाँ रिटर्न कीवर्ड नहीं की यूज किए, यहाँ पे नल डेटा टाइप यूज वाइड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया नो रिटर्न टाइप। तो इस तरह से हमारे कितने यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गए, यहाँ पे तीन फंक्शन हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब इसके साथ हम एक और फंक्शन की बात करते हैं और उसे देखते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे करते हैं। चलिए एक चीज और करते हैं, जैसे हम जावा में मेथड में मल्टीपल पैरामीटर या मल्टीपल वैल्यू को अगर पास करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को देख लीजिए। इसी में हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, जहां चेंज करना है वहीं तक हम अरेंज करते हैं। ठीक है, चलिए सारी चीजें वही रहेंगी। अब यहाँ पे स्ट्रिंग में एक हमने वेरिएबल ले लिया एफ नेम, एक नेम हो गया, और एक हम यहाँ पे आई एन टी एज ले लिया, ठीक है, आई एन टी एज ले लिया। अब करना क्या है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने यूज किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। अब यहाँ पे देखिए क्या देगा, ये एफ नेम प्रिंट करे प्लस, और यहाँ पे राज, और यहाँ पे मैसेज दे एज, एज डबल कोटेशन प्लस ऑफ कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। ये इतना होने के बाद हम करेंगे क्या, इस मेथड को यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद मेन फंक्शन को यहाँ पे हम राइट करेंगे, तो यहाँ हम दे सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक, और इसमें हम दे देंगे क्या, जैसे मेन को डिफाइन करते आए हैं सेम उसी तरह, ठीक है। इतना देने के बाद अब क्या करना है हमें, यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करना है। तो फंक्शन हमारा ये है, हमने यहाँ पे दे दिया मेथड, इसके अंदर हमने नाम को पास कर दिया, नेम हमारा जो भी है हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे राजू कोटेशन कामा, और एज जो भी है हमने यहाँ पे दे दिया 30 है। और भी एक दो लोगों को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं एज ए रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग, समझ में आ जाए, रानी 25। एक बार और यहाँ हमने ये बताया मल्टीपल पैरामीटर डिफरेंट डेटा टाइप के साथ कैसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीतम,
ठीक है, यहाँ हमने दे दिया 40। इतना देने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, मेल को क्लोज किया, फिर यहाँ पे हमने क्लास को बंद कर दिया। ठीक है, इतनी चीजें हम करने के बाद अब करेंगे क्या, इसको रन करा देते हैं, एक बार देख लीजिए। जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो मेल रीड करेगा, तुरंत इसे अ मेथड फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? अ मेथड फंक्शन। तो अ मेथड फंक्शन के पास ये तुरंत क्या पड़ेगा, पहुंच जाएगा, उसकी कॉलिंग हो जाएगी, उसकी यहाँ पे कॉलिंग हो जाएगी प्रस्तुति। जैसे प्रस्तुति होगी तुरंत ये इन चीजों को डिटेक्ट करेगा, राजू को एफ नेम पे और 30 को एज पर क्या करेगा, ये होल्ड कर देगा। नेम इज इक्वल टू राजू और एज इज इक्वल टू कितना, 30 जो वैल्यू हमने, ये होल्ड हो गए। होल्ड होने के बाद उसी फंक्शन के साथ यहाँ पे क्या हो रही चीजें प्रिंट हो रही हैं। जब ये आउटपुट देगा इसमें तो क्या देगा, यहाँ पे राजू आगे एज इज, जो भी यहाँ पे एज हमने इनपुट किया है उसी को ये प्रिंट कर दिया। उसी तरह फिर से फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा और ये मैसेज होगा यहाँ पे आपकी जगह क्या होगा, राजू की जगह रानी हो गया क्योंकि ये चेंज हो गया और एज इज कितना है यहाँ पे 25। फिर नेक्स्ट टाइम एक बार और कॉल होगा, यहाँ पे हमने दिया प्रीतम, क्या दिया ये प्रीतम, एज इज कितना हमने दे दिया यहाँ पे 40। तो ये देखिए इस तरह से ये क्या करेगा, एक बार हमने मेथड बनाया, एक बार ही हमने डिफिनीशन दिया, मल्टी टाइम उसको हम यहाँ पे कॉल कर ले रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ही बार बना के मल्टीपल टाइम उस कोड को हम यूज कर रहे हैं, कितना अच्छा बेनिफिट हुआ। अभी हमें इसे अलग अलग करना होता, जितने ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड हमें उतनी मल्टी टाइम करना पड़ता। तो चलिए ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को ये समझ में आ ही गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम बात करेंगे विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप्स मेथड। ये तीन यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी हमारा क्लासिफिकेशन का लास्ट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके बाय, थैंक यू।